हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू ज्ञान प्रभा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गर्मियों का मौसम आते ही इतना अधिक गर्मी बढ़ जाता है कि बाहर तो बेचैनी होती है, साथ ही साथ हम लोग जब अपने घर में रहते हैं, घर भी हमारा इतना अधिक गर्म हो जाता है। हमारे घर के जो रूम होते हैं, इतने अधिक टेम्परेचर बढ़ जाते हैं कि घर के अंदर भी हमें बेहाली सा महसूस होता है, बहुत अधिक परेशानी होती है। तो इन गर्मियों के मौसम में घर को कैसे कूल रखें, कैसे ठंडा रखें, आज मैं आप लोगों को इसी विषय में बताने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को घर को 10 डिग्री तक टेम्परेचर कम करने के लिए एक आसान सा तरीका बताया था, माँ दुर्गाठी द्वारा बनाए गए चटाइयों से बने पर्दे, जिसे खिड़कियों पर आपको लगाते हुए दिखाया था, जिससे कि आपका घर का रूम टेम्परेचर बहुत अधिक कम हो जाएगा, कम से कम 10 डिग्री तक। आज मैं कुछ तरीकों को लेके आई हूँ, प्राकृतिक और सहज तरीके, जिसके करने से आप अपने घर के टेम्परेचर को और अधिक कम कर सकते हैं, घर को कूल रख सकते हैं इस गर्मी में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले उन लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष तुरंत आए। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबा लें। ऐसा करने से मेरे द्वारा प्लेस किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले छत, घर के छत के गर्म होते ही घर के जो दीवारें हैं वो बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे कि आपका घर बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तो घर को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले अगर आप छत पर रंग करवाते हैं तो सफेद रंग करवाएं या फिर पीओपी करवाएं। सफेद जो रंग होता है वो ताप को रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे आपका छत कम गर्म होगा। एल्वेस्टर के जो छत होते हैं वो काफी अधिक गर्म होते हैं, खप्पड़ वाले भी छप्पड़ बहुत अधिक गर्म होते हैं। तो इस समय आप और एक काम कर सकते हैं, अपने छत पर पुआल, जिसे हम बिचाली कहते हैं, जो मवेशियों को खाने के लिए दिया जाता है, पुआल को आप छत पर बढ़िया से बिछा दें। ऐसा करने से ये होता है कि जो सूर्य का ताप होता है वो सीधा छत पर ना जाकर बिचाली पर पड़ता है, इन पुआलों पर पड़ता है, जो कि जल्दी से छत को गर्म होने नहीं देता है। और ये जो बिचाली है ये उष्मा और ताप के कुचालक होते हैं, जिससे कि छत जल्दी से गर्म नहीं हो पाता है। घर में जो खिड़कियों और दरवाजों पर आप पर्दे यूज करते हैं, वे पर्दे सबसे अच्छा होगा अगर आप लाइट कलर का लगवाएं। लाइट कलर के जो पर्दे होते हैं वो उष्मा और ताप को ज्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, जिससे आपका रूम टेम्परेचर ठंडा रहेगा। यदि आप दिन के समय घर पर नहीं रहते हैं, ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, उस समय सबसे अच्छा रहता है कि आप जो आपके खिड़की और दरवाजे होते हैं वो उन्हें बंद रखें, और रात के समय खिड़की और दरवाजे को खुला रखें। दिन के समय खिड़की और दरवाजा बंद करने से जो अधिक ताप और रोशनी होता है वो रूम के भीतर नहीं आता है, जिससे आपका रूम गर्म नहीं होता है, और रात के समय खिड़की और दरवाजे खुले रखने से घर में ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे आपका कमरा ठंडा रहेगा और कूल रहता है। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको खिड़कियों पर माँ दुर्गाठी द्वारा बनाए गए पर्दे के बारे में बताई थी, आप उन्हें भी टांग सकते हैं, और अधिक गर्मी होने पर आप उसमें पानी का छिड़काव करके पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से उससे जो रोशनी होती है वो हल्की हल्की आती है, और जो हवाएं आती है वो ठंडी बहुत उससे जो छनकर जो हवा आती है वो छोटे छोटे छिद्रों से आने के कारण ठंडी हवा आती है, इससे भी आपका रूम टेम्परेचर कम हो जाता है। गर्मियों के समय कालीन को हटा लेना चाहिए, और नंगे पांव फर्श पर चलने से फर्श की जमीन ठंडी होती है, जिससे नंगे पांव चलने से आपको ठंडक महसूस होगी। इसके अलावा और अच्छा होगा यदि आप सुबह और शाम आप अपने फर्श को 2 से 3 बार पोछा लगवाएं। ऐसा करने से आपके जो रूम के फर्श होते हैं वो अधिक ठंडे रहेंगे, और इससे आपके रूम का भी टेम्परेचर कम रहेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। आप अपने रूम को ठंडा रखने के लिए आप अपने बेड पर लाइट कलर की बेडशीट का इस्तेमाल करें, इससे लाइट कलर के जो बेडशीट होते हैं वो अधिक गर्म नहीं होते हैं, वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, ठंडे रहते हैं। सबसे अच्छा होगा यदि आप लाइट पिंक, लाइट येलो, व्हाइट कलर के जो
बेडशीट होते हैं उनका उपयोग करें। इससे आपका बेड ठंडा रहेगा और ठंडक की महसूस होगी। और सबसे अच्छा होता है गर्मियों के मौसम में अगर आप कॉटन का बेडशीट यूज करें तो इससे भी बहुत अधिक आराम मिलता है। यदि आपका आंगन मिट्टी का हो तो उसमें आप पानी डालकर सुबह और शाम पानी डालकर गीला करके रखें। इससे क्या होगा, आपके आंगन की जो मिट्टी है वो ज्यादा गर्म नहीं होगी, ठंडक रहेगी। इससे आपके रूम के भीतर ठंडी ठंडी एक ठंडी आभा आएगी जिसके कारण आपका रूम जो है वो ठंडा महसूस होगा, ठंडा रहेगा। आपकी खिड़की और बेलकोनी के सामने अगर आप पौधे लगाए तो इससे भी आपके रूम का टेम्परेचर बहुत अधिक कम होता है। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी के नीचे से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करते हैं। वे जितना जरूरत होता है उतना पानी अपने काम के लिए यूज करते हैं, बाकी पानी को वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल देते हैं। तो वो जो पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकालते हैं उससे हमारे घर के आसपास जो है वो ठंडक महसूस होगी तो अच्छा होगा। आप यदि अपनी खिड़की के आसपास पौधे लगाएं या फिर रूम के भीतर जो पौधे लगाए जाते हैं उन पौधों को लगाएं, इससे आपको अपने रूम के भीतर ठंडक महसूस होगी, आपका घर ठंडा रहेगा। इन गर्मियों में बिजली के जो उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल आपका जितना जरूरत हो उतना ही करें। आपका जब जरूरत ना हो उस समय फिजूल के बिजली के उपकरणों को ना चलाएं। लाइट के जलने से भी उसके रोशनी से एक ताप उत्पन्न होता है जिससे कि आपका रूम आपका घर गर्म होता है। तो आपको जब जरूरत हो तभी आप लाइट का इस्तेमाल करें और जरूरत ना होने पर लाइट को बंद करें। इसके साथ ही साथ आपको बिजली उपकरणों का जब जरूरत हो तभी उनका इस्तेमाल करें, बेफजूल के बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से हमारा रूम तो गर्म होता ही है साथ साथ हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ऐसा करने से भी आपका रूम आपका घर ठंडा रहेगा और आपको गर्मी में भी ठंडक का एहसास मिलेगा। तो दोस्तों इन सब आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को अपने रूम को बहुत अधिक ठंडा रख सकते हैं, बहुत अधिक कूल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।